हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं बंगाल पुलिस में कांस्टेबल हूँ और मैं अभी आपसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम एज में, बात किया जाए एज की, तो उन्होंने 19 साल से स्टार्ट किया था और अभी उनका एज 21 साल हो रहा है और अभी इतनी अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त कर चुके हैं कि उन्होंने अपने सेल्फ अर्न कार रिसीव किया है और बहुत सारे जो ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एप्पल्स, ये सब चीज़ों को इन्होंने बाय किया है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो गाइज, एक्चुअली मैं इनसे कैसे परिचय हुआ, ये मेरे फ्रेंड के छोटे भाई हैं और जब हमें इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इनसे मिलने के लिए और फाइनली मैं इनसे मिल करके एक वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो मैं इनका नाम अभिजीत सर है, मैं इनसे आपको बात करा रहा हूँ। सर, आप ये बताइए कि आपका स्टार्ट कैसे हुआ, आपका जर्नी कैसे, कहाँ से कहाँ तक चला, आपको क्या कठिनाइयों का सामना। ओके, सो हेलो गाइस, सो मेरा नाम अभिजीत नैन है ना। बेसिकली मैं बिहार गया से बिलोंग करता हूँ, है ना। और जैसा कि नवीन सर ने आपको बताया कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी 19 साल के एज में आया था और राइट नाउ अभी मेरी एज है सो अभी राइट नाउ 22 होने जा रही है ना। मतलब 2 से 3 साल के अंदर में क्या क्या मैंने अचीवमेंट्स करी, सारी चीज़ें, है ना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अचीवमेंट से बेटर है कि एक डिसीजन मैंने लिया, है ना। और वो डिसीजन किस चीज़ का था कि भाई मैंने अपने लाइफ को कैसे चेंज करना है, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो 19 साल से लेकर के 25 साल का जो एज होता है ना, यही उम्र होती है लोगों को बनने की, है ना। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, क्या से बेस्ट रहेगा, क्या नहीं बेस्ट रहेगा। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं कि उसी एज में मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसने मेरे लाइफ को पूरी 360 डिग्री से चेंज कर दी, है ना। तो जस्ट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं जैसे यहां पे स्टार्ट किया था उस टाइम पे काम करने के लिए स्टार्ट किया था, है ना। उस टाइम पे देखो सबसे ज़्यादा हमारे पास कोरोना का टाइम चल रहा था, है ना। आपको शायद याद होगा उस टाइम पे कोरोना का टाइम था और उस टाइम पे बहुत चैलेंजेस भी मुझे आ रहे थे, है ना। जब मैंने स्टार्ट किया था 2CC कैसे करूँ, कैसे किस तरह से हमारा स्टार्ट करेंगे, एफर्ट्स करना, सारी चीज़ें। और घर वाले बहुत खिलाफ थे मेरे कि पता नहीं किस जगह पे आके फंस गया है, क्या करेगा, क्या नई चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा वो मुझे मतलब कि बता रहे थे कि ये सब सारी चीज़ें नहीं चलती है, बहुत बर्बाद होगा। बट मुझे बिलीव था प्लेटफॉर्म पे क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें देखी है। और यूथ को अभी, जैसे हम, आप यूथ हो, हम बहुत सारे यूथ भी इस वीडियोस को देखेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार सिस्टम धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, कैसे कैसे हमें काम करना है, किस तरह से हम यहाँ पे ग्रो करना है, वो ऑटोमेटिक हमें पता रहता है, है ना। तो सेम चीज मैंने उस फ्यूचर को ऑलरेडी इमेजिन कर रखा था, बस करना क्या था, मुझे मेहनत करना था, है ना। और प्लेटफॉर्म बढ़िया मिल चुका था, मेहनत करना था, अपलाइंस का सपोर्ट था, सीनियर्स हमारे साथ थे, बस उसी चीज में मेहनत करता गया। और आज अगर बताऊं तो मैं अभी राइट नाउ यहाँ पे मैनेजर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और तो अब जैसे कि आपको बताऊं कि मैनेजर लेवल जब करने आया था, है ना, सारी चीज़ें को मेरे को, देखो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर कोई भी जगह पे जा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब मैंने मैनेजर लेवल अचीव करना था, उससे पहले हमें ना पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है, है ना। वो पर्सनल मेंटोरशिप होती क्या है, जब आप 2CC अचीव करते हो उसके बाद आपको ये पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है जो आपको एक पाथवे देता है, है ना, कि जय आपने इसी पाथवे से चलना है, तब जा करके आपने वो मैनेजर लेवल अचीव करोगे। आप उसी, जिस तरह से आपको जो एक ब्लू प्रिंट मिलता है ना, उसी तरह से रहता है। अब जैसे राइट नाउ कहीं मुझे जाना है, लेट सपोज अभी मैं राइट नाउ गया पटना वाले हाईवे पे खड़ा हूँ, है ना। अब मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे आगे बढ़ना है, कहीं आगे ग्रो करना है या फिर मुझे पटना की तरफ जाना है, तो मुझे अगर कोई रोड अगर पता रहेगा कि हाँ ये रोड है जो कि पटना जाएगा, तो मैं धीरे चलूँ या फास्ट चलूँ, मुझे पता है कि भाई कहीं ना कहीं मैं पटना ऑलरेडी पहुँच जाऊँगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी था, पर्सनल मेंटोरशिप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि पर्सनल मेंटोरशिप में आपको पूरा पाथवे मिल जाता है कि आपने इसी पाथवे से चलना है, कैसे कैसे काम करना है जो आप मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो, यही सारी चीज। तो जो मैं मैनेजर लेवल अचीव किया है ना, वो 1.5 साल के अंदर में मैंने अचीव किया यहाँ से। और बात करूँ तो मैनेजर लेवल पे जो हमारी मंथली इनकम होती है ऑन एन एवरेज, वो 1 से 1.5 लाख तक के बीच की होती है ना, जो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों की ड्रीम इनकम होती है कि यार मुझे इतना मिल जाए, 1 लाख रुपये मिल जाए, 1.5 लाख रुपये मिल जाए, और मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, है ना। और आज राइट नो मैं 21 साल की एज में मैं ये सारी चीज़ें अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ, है ना। सो अब सर मुझे आप ये बताइए कि सर आप जब इस चीज़ को स्टार्ट किए, तो जब 2CC लिए, तो इसको आपको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फैमिली सपोर्ट कैसा था, तो सर इसके लिए मुझे बताइए क्या। ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या ना, कि हमें 2CC जब मिला था, मुझे खुद मिला था कि 2CC कैसे करना है, तो उस टाइम पे ना देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई थी मेरे पास कि यार 2CC करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, है ना। ऑलरेडी मैं एक स्टूडेंट था, है ना, तो स्टूडेंट होते हुए मेरे को पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा था, कैसे कर रहा था, है ना। तो मैंने घर से एक छोटा मोटा जस्ट नॉर्मल सा एक झूठ बोलना पड़ गया था मुझे कि मैं कुछ ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, है ना।
तो मैं फैमिली से कोर्स के रिगार्डिंग पे मैंने वो पेमेंट लिया और पेमेंट लेकर के मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि देखो रीजन मुझे पता था, वाई पता था कि यार अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका क्या बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है और खराब से खराब क्या हो सकता है। एंड ऑलरेडी मैं एक नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा था कोटा राजस्थान में रह करके, ऑलरेडी मैं लाख रुपया ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स लगा रहे थे हर साल मैं कोटा राजस्थान में एलियन इंस्टीट्यूट का फी भरने के लिए, है ना। उसके साथ साथ अगर मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे पता था यार कि मैं ऑलरेडी 1,00,000 रुपये यहाँ पे लगा रहा हूँ, बट एक चीज मेरे को ये समझ आ गई कि पापा मेरे को 1,00,000 रुपया तो दे रहे हैं पढ़ने के रिगार्डिंग पे। और आज अगर बात करें पूरे इंडिया में ये सारी चीजें होती है पढ़ने के नाम पे ना, पेरेंट्स आपको 1,00,000 रुपये भी दे देंगे, लेकिन अगर आपको ये बिजनेस अगर करना है, कोई स्टार्टअप कोई छोटा मोटा करना है, उसके लिए 10,000 रुपये मांगो ना तो वो नहीं देते हैं, है ना। तो सेम चीज मैंने इसी चीज को सोचा कि यार चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मैं पढ़ाई के नाम पे ले लेता हूँ, लेकिन अपने आप से मैंने टारगेट सेट किया कि अगर मैं आज अगर पैसे ले रहा हूँ इस तरह से ना, तो मुझे विद इन 3 से 4 मंथ्स के अंदर में वो पैसे रिटर्न भी करना। और मैंने 3 महीने के अंदर में यहां से सुपरवाइजर लेवल अचीव करके वो सारे पैसे रिटर्न भी। जैसे कि सर आपने बताया आपने 2 CC करने के बाद ये जो सुपरवाइजर लेवल है उसको करने में आपने 3 मंथ ना 3 मंथ सर का अचीव हो गया, तो देन आफ्टर सर आप बताइए मुझे सर आपका मैनेजर लेवल अचीव करने में आपको कितना टाइम लगा और क्या क्या समस्याएं को सामना करना पड़ा। एग्जैक्टली देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा, जैसे मैंने जब ऐसा अपना ऐसा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गए थे, सुपरवाइजर लेवल के बाद ना थोड़ा सा मुझे कंफर्ट जोन भी वगैरह आया था कि पता नहीं कैसे आगे ये सारी चीजें, क्योंकि अचानक से मैं 25-30 हज़ार रुपये मंथली अर्न करना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हवा में भी आ गया था कि अच्छा चलो ये सारी चीजें, क्योंकि जिंदगी में पहली बार अर्न करना स्टार्ट किया था वो भी इतने ज्यादा अमाउंट्स, है ना। तो फिर थोड़ा सा मैं कंफर्ट जोन में आ गया था और उसी कंफर्ट जोन की वजह से जो मुझे 6 से 8 महीने में मुझे मैनेजर लेवल अचीव करना चाहिए था वो मेरे को 1.5 साल लग गए, है ना। तो वो चीज से आपको भी सबक सिखाना चाहूंगा कि भाई देखो पैसे जितना भी कमाते रहो आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना है, है ना। आज अगर मैं बात करूं तो मेरी इनकम भी राइट नाउ 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच की है ना, फिर भी मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस काम कर रहा हूँ कि मैं इतने से ज्यादा और भी करना। सर एट लास्ट मुझे ये बात बताइए कि एज ए नोवस 2 CC करने के लिए, एज असिस्टेंट सुपरवाइजर होने के लिए, और फाइनली जो हम लोग को जो मैसेज क्या होना चाहिए हम लोगों के लिए सर, वो उसके लिए गाइड कीजिए थोड़ा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए जो भी पर्सन नोवस है, जो कि अभी राइट नो नोवस में वीडियो देख रहा है, मीन्स अभी आपने आपका 2 CC नहीं हुआ है तब आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपने काम करना ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्क लेना ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करता है कहना कि अगर आप इस जगह पे एक जगह अपना रिस्क लेकर के काम कर रहे हो, क्योंकि देखो जो सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर होता है वही मनी मेकर होता है। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो पाओगे उतने बड़े आप एम्पायर बिल्डअप कर सकते हो, उतने बड़े आप अपने आप को ग्रो करवा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले बताऊंगा आप पहले एक बार फील्ड को अच्छे से समझ लो क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद ना कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के लिए आप एफर्ट्स कर लो। मैं आपको बता रहा हूं अनलिमिटेड ग्रोथ यहां से आपको मिलने वाली है, है ना, बस आपने कंटिन्यूअस काम करते रहना है। थैंक यू सर।